आज वज़ीर आज़म साहब जो लाहौर पहुँचे हैं, उनका जो बुनियादी मकसद था वो दो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, एक सीबीडी का दौरा उन्होंने किया है और एक उन्होंने रूडा का दौरा किया है। ये जो सीबीडी का प्रोजेक्ट है ये लाहौर के बिल्कुल वस्त में ये प्रोजेक्ट है, जो वॉल्टन रोड, जो वॉल्टन रोड से शुरू होता है और वॉल्टन एयरपोर्ट तक आता है। इसमें अभी तक 24 अरब रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट बहुत ही एक लाहौर के लिए, लाहौर का एक पहला प्लान्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट है, डाउनटाउन प्रोजेक्ट है। इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी और लाहौर की एक बिल्कुल लैंडस्केप चेंज होगी। उसके साथ लाहौर के साथ एक नया शहर जो है वो बसाया जा रहा है रूडा के ऊपर। हाई कोर्ट ने अगरचे उसके ऊपर अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये हक है, हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो नए शहर बसा सके। ये कोई एक्विजिशन कोई हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं हो रही थी कि उसको जज साहब कहें कि ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए हो रही है, ये एक नया शहर बना रहे हैं। और ये बहरहाल फैसला हुकूमत ने ही करना है, अदालतों ने इससे पहले पॉलिसी फैसलों में जब भी अदालतें गई हैं उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और पॉलिसी साजी क्या होनी है ये बहरहाल ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है और पार्लियामान का इख्तियार है। आज जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने ये अपील फाइल कर दी है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो कमियां कोताहियां यहाँ पे केस प्रेजेंट करने में रह गई वो सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करेंगे और उसके नतीजे में ये एक अजीमुशान जो नया शहर है जो 1,02,000 एकड़ के ऊपर लाहौर के साथ बन रहा है, लाहौर और शेखुपुरा के दरमियान, इससे एक पूरा जो समझिए कि सेंट्रल पंजाब को बहुत इसमें फ़ायदा होगा। और इसमें भी अरबा डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो कि बैन अवी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आनी है, और हम चाहते हैं कि ये दौरा जो है ये जो शहर है ये अपने वक्त के ऊपर बने। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पॉलिसी डिसीजंस हैं या मेजर डिसीजंस हैं अदालतें उनमें बहुत कानून को एहतियात भी बरतें और एहतियात से चलाएं भी।